हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं कुमकुम। बिल्कुल विकास, बड़ी राजनीतिक हलचल बंगाल से निकल कर आई है। पांच के पंच में चुनाव के बंगाल जीतने की तैयारी में बीजेपी कैसे लगी अब आपको बताने वाले। बीजेपी ने बंगाल चुनाव की राज्य में अपने संगठन को पांच जोन में बांटा है और पांच बड़े नेताओं को इसका इंचार्ज बना दिया है। और ये पांच नेता कौन है जानिए। सुनील देवधर, हावड़ा, हुगली, मैदानपुर, इनको ये जोन दिया गया है। इसके अलावा विनोद तावड़े को नाबाद दीप में चुनाव की तैयारी का कार्यभार दिया गया है। विनोद सोनकर को बर्धमान और हरीश द्विवेदी को नॉर्थ बंगाल का जिम्मा सौंपा गया है। मतलब कि बीजेपी ने बंगाल को बांट दिया है पांच जोन में और पार्टी के पांच प्रभारी बनाए गए हैं। अब तक राज्यों में एक प्रभारी होता था जो कि संचालन पूरे चुनाव से पहले का देखता था पार्टी का, लेकिन क्योंकि बीजेपी बंगाल से खास उम्मीद लगाए बैठे हैं तो चारों बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव को देखिए बंगाल के पांच अलग अलग जोन में बांट दिया गया है। बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम कोलकाता जोन का चुनाव प्रभारी उन्हें बनाया गया है। ये पांचों लोग जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं नवंबर आखिर तक चुनाव तैयारियों पर रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर फिर गृहमंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा भी कर सकते हैं। आपको हम याद दिला दें, कुछ दिन पहले भी अपने दो दिवसीय दौरे पर राज्य की पश्चिम बंगाल सरकार को निशाने पर लिया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ये पांच तस्वीरें आप जिन प्रभारियों को देख रहे हैं, इस पांच के पंच के जरिए बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इन पांच लोगों को अलग अलग बंगाल के जोन की जिम्मेदारी दी जाए। अपडेट लेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक घोष हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, मिशन बंगाल तैयार है और इस कदर कि पांच जोन में राज्य को बांट दिया गया है, पांच प्रभारियों की जिम्मेदारी, मतलब जिम्मेदारी के साथ अब जवाबदेही भी तय। इसमें सबसे ज्यादा जो नाम को लेकर चर्चा हो रहा है वो मेदिनीपुर जोन को जोन की दायित्व दिया गया है। मेदिनीपुर जोन में से आता है दो मेदिनीपुर जिला, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा और हुगली, ये चार जिला को दायित्व सौंपा गया। सुनील देवधर जो त्रिपुरा में 20 साल की लगातार बाम जमाना खत्म करके बीजेपी सरकार बनाने में जिसका हाथ सबसे ज्यादा माना जाता था, जिसको कारीगर माना जाता था, उनको लाया गया मेदिनीपुर जोन की दायित्व में। और विनोद सोनकर जिनको दायित्व दिया गया है, इसको कहते हैं रार बंगो ऑर्गेनाइजेशनल जोन, जिसमें बीभूम जिला आते हैं और बांकुरा, पूर्णिया, जो जंगल महल की दो अहम दो राज्य जिला है जहां बीजेपी का दबदबा दिखा गया पिछले लोकसभा चुनाव में, इन दो जिला और साथ में कीपुंग जिला और साथ में दो बर्धमान जिला को भी दायित्व दिया गया है। दुष्यंत कुमार गौतम जो कोलकाता साउथ चौबीस परगना और नॉर्थ चौबीस परगना का हिस्सा को लेकर इसको दिया गया। हमारे साथ दीपक आप बने रहिए, नीरज पांडे भी जुड़े हुए हैं। नीरज, ये तो तय हो गया पांच लोगों को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, लेकिन किन मुद्दों पर ये रिपोर्ट देंगे? जीतना है ये तो सबको पता है। विकास, दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनको सही फीडबैक मिले, जो टीम काम कर रही है शायद वहां से जो चीजें मिल रही हैं उससे इतर कोई बात ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पांच वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भेजा जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को पांच सेक्टरों में बांटा है, उन सभी सेक्टरों की एक एक सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई ताकि वो लोग जाएंगे बूथ अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से, पूर्व अध्यक्षों से, सांसदों से, एमएलए से, इन सब के साथ बैठ कर वन टू वन करेंगे, उनसे बात करेंगे, फीडबैक लेंगे कि हमारी जो तैयारी है उसमें क्या कमियां हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं और क्या हमें और करना चाहिए, इन सभी विषयों पर उनसे बात करेंगे ताकि वो एक सही फीडबैक सेंटर तक पहुंचे। और 20 नवंबर को इन लोगों को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है जो सीधे जेपी नड्डा और बीएल संतोष को ये रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद ये तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहे।